Hello and welcome to Before Exams. Here we help you to prepare for your competitive examinations. Subscribe to our channel so that whenever we post the content about your exam, you get the notification about it. Hello everyone. In today's video, we will be talking about the several goods and services that basically form the very base of economics and how goods and services are interrelated, how they affect the economics agenda, and what are the economic decisions जो कि goods and services के ऊपर ही imply करते हैं. So जब भी हम बात करते हैं about goods and services, तो बहुत important है to define goods. क्या होते हैं goods? Goods are basically commodity, कोई भी commodity, and they are tangible, they can be seen and touched. There is a time gap between production and consumption of goods. वो भी हम आगे पढ़ेंगे what is production and consumption. Goods can be stored and used later. Goods can be transferred from one place to the another. तो ये सारे हैं हमारे goods के कुछ factors कि goods होते क्या हैं. Services क्या होती है on the other hand, क्योंकि हम goods के साथ साथ services भी पढ़ेंगे तो goods क्या goods तो हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, services क्या होती है. सर्विसेज है हमारी हर एक वो एड जो कि हम गुड्स के फॉर्म गुड्स की जगह गुड्स तो हो गया समथिंग टैंजिबल एंड सर्विसेज आर नॉट टैंजिबल दे आर दी एड्स दैट वी प्रोक्योर टू पीपल. ठीक है, तो जो भी वो एड है जो कि हमने किसी को भी प्रोक्योर की है तो दैट बिकम्स योर सर्विस. देर इज नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन व्हेन इट कम्स टू सर्विस एंड सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड इन पर्टिकुलर. तो ये भी उनका एक टाइप है. व्हाट आर सर्विसेज? ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज ना तो आप उन्हें टच कर सकते हो, कांट इवन रेंडर देम, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. व्हेन टीचर इज टीचिंग यू कांट टच टीचिंग, राइट? दैट सर्विस यू कांट टच, दैट इज इनटैंजिबल. तो यू कांट हैव दिस होल वैल्यू ऑफ इट. एंड इसका एग्जाम्पल यही ले सकते हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है साथ साथ जब टीचर टीच कर रही है तो. बट कैन यू टच द टर्म कॉल्ड टीचिंग? नो यू कांट बिकॉज दैट इज हाउ सर्विसेज वर्क. ओके, एंड यू कैन नॉट स्टोर देम, यू कांट स्टोर सर्विसेज. तो दीज वर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स भी कुछ टाइप के होते हैं. देर आर सर्टन काइंड ऑफ गुड्स. ठीक है, जैसे कि हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स प्रोमिनेंट टाइप्स हैं गुड के. तो हम इनको डिफाइन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर दीज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स. गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन आर नोन एज द कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि खाना, घर, गाड़ी, ये हमें फाइनल कंजम्पशन के लिए वी आर यूजिंग देम. दे हैव a whole value that we will accomplish at a later stage. On the other hand, there are goods that are used for production of other goods. और वो other goods को production में aid करते हैं, तो उन goods को बोलते हैं producer goods. जैसे कि plants, खाने की बात हुई तो plants की भी बात होनी चाहिए. Machinery की बात हो रही है जब car की बात कर रहे हैं तो ये जो aid कर रहे हैं दूसरे को, ये होते हैं हमारे production प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो है दे आर कंज्यूम्ड फाइनली. द प्रोपेंसिटी इज फाइनल, दे सैटिस्फाई द कंज्यूमर वॉन्ट्स. ओके, एंड द एनालिसिस जो कि इन्हें पढ़ने के लिए काम आता है, दैट इज यूज टू स्टडी द कंज्यूम गुड्स, इज कॉल्ड द डिमांड रेवेन्यू एनालिसिस. It helps in the whole consumer goods ki theory, ki how do we do it, what are consumer goods. Iske baad aate hai humare producer goods. They are used to produce consumer goods, jo ki humne bhi bataya. And this is the curve jo ki aid karta hai in this. Agar hum ek arbitrary distinction le between the consumer goods and the producer goods, to hum kya bol sakte hai ki ek sofa, let's say एक example ले रहे हैं हम एक sofa की, तो this sofa was produced in a manufacturing unit. Manufacturing unit में sofa बनाने के लिए क्या जरूरत हुई? Material, appropriate material. तो ये material क्या होगा? हमारा producer good होगा. Sofa खरीदा एक family ने and now they are using it on their daily basis.
यहाँ घर पे आते ही क्या बन गया, कंज्यूमर गुड. तो दिस वॉज द बेसिक एग्जाम्पल एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड. ओके, और भी तरीके के डिस्टिंक्शन है गुड्स के. लाइक वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स. क्या होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स? हमने बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी विटनेस की है इन आवर डे टू डे लाइफ्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है, दीज आर द गुड्स दैट आर पेरिशेबल आफ्टर यूज. इनके जो लाइफ है, द शेल्फ लाइफ ऑफ दीज गुड्स इज नॉट लॉन्ग, सो दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. दे पेरिश आफ्टर सम टाइम. फिर आई एक और टर्मिनोलॉजी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल का डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो नॉन पेरिशेबल गुड्स और द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमने भी बात की कि जो पेरिश हो जाते हैं फॉर द सर्टन काइंड. और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विच आर पेरिशेबल आफ्टर वन यूज, जैसे कि ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया. And they are purchased at regular intervals. ठीक है, अब इन्हें हम regular intervals पे खरीदते हैं non-durable goods को. जैसे bread हो गई, हर महीने हर हफ्ते लेनी पड़ेगी आपको. ठीक है, आप हर दो दिन में भी ले सकते हो. ऐसे तो नहीं है ना कि एक bread का packet you can use for one month, two month. No, एक milk का packet you can't use. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, लाइक डिफरेंट एडिबल्स आर देयर जो कि सर्टेन टाइम के बाद हमें लेने पड़ते हैं, दोबारा खरीदने पड़ते हैं. सो दे आर परचेज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड ओनली करंट डिमांड टू बी मेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू करंट कंडीशंस. इसी क्राइटेरिया से भी ये खरीदे जाते हैं. आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक ब्रेड को खरीदा गया है कि ये 10 साल बाद काम आएगी. नो, एंड द सर्विसेबिलिटी इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड. तो पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल में इसका डिस्टिंग्विश करा गया दोबारा. तो पेरिशेबल गुड्स आर लॉस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सर्विसेज भी हो जाती हैं कई बार, टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, मेडिसिन. नॉन पेरिशेबल गुड्स आर नॉट लॉस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कोल. कोल जो है एक सर्टन टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करती है. तो दीज आर नॉन पेरिशेबल गुड्स. फिर आते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जो है दे आर यूज फॉर अ कॉन्टिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर. ऐसा कहीं नहीं होता कि अच्छा नाउ आई परचेज्ड वन रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट वीक आई विल गेट अनदर ब्रांड. नो, यू हैव टेकन वन रेफ्रिजरेटर, यू हैव टेकन वन एसी, नाउ यू हैव नो नीड टू बाय अनदर. अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, तो अगर आपके पास एक एवरलास्टिंग अमाउंट है मनी का, तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. बट दीज आर समथिंग जो कि आपकी नीड को once and for all सेटिस्फाई कर देती है फॉर अ टाइम बीइंग. लाइक अगर एक अच्छी क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर और एसी आप ले रहे हो, इट हैज अ लाइफ ऑफ 7 to 10 years. ओके, इट ईदर सेटिस्फाइज योर न्यू डिमांड और रिप्लेस द ओल्ड सेट. तो दीज आर योर ड्यूरेबल गुड्स. And they also require special facilities to use. Like आपकी कार है, कार को पेट्रोल की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. ऑल्सो ड्यूरेबल गुड्स जो है वो एक ही आदमी से ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं. ऐसा नहीं कि टीवी रेडियो आप अकेले चला रहे हो. नो, देर हाँ देर आर चांसेस कि कई बार ऐसा होता है, बट यूजली दीज गुड्स आर यूज बाय अदर पीपल ऑल्सो. So serviceability is required, no segregation of new demand and service required. So serviceability bhi in goods ki zarurat hoti hai. Phir hamare normal goods. A good whose demand increases when income increases and demand decreases when income decreases. To ye hamare normal goods ho gaye. To is criteria se aapko ye baat to samajh aayi hogi that the price here remains the same. All right. फिर है अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल द इंफीरियर एंड द सुपीरियर गुड्स. दीज आर द इंफीरियर एंड योर सुपीरियर गुड्स. क्या होते हैं इंफीरियर एंड सुपीरियर गुड्स? इंफीरियर गुड्स आर गुड्स जिनके डिमांड डिक्रीज करती है एज इनकम इंक्रीजेस एंड दे हैव अ नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे कि एक आदमी जिसकी रिसेंटली सैलरी में हाइक हुई है, तो वो चीप ड्रेस खरीद रहा है, तो ही इज पेइंग लेस ऑन चीप ड्रेस. ओके, अब वो क्या करेगा? वो चीप ड्रेस खरीद रहा है, बट द अमाउंट दैट ही इज स्पेंडिंग वो उसे कम लग रही है, और भी ज्यादा कम.
एंड सुपीरियर गुड्स आर गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है एज इनकम इंक्रीजेस, और यहाँ का पॉजिटिव इलास्टिसिटी है डिमांड कर्व की, ठीक है. ओके हमने एक वीडियो में गिफिन्स गुड किए थे विच वर गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन, तो इसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे जो कि हमने पहले वीडियोस में किया था. द गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स वर गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन इन आयरलैंड. द पुअर पीपल यूज टू कंज्यूम मोर पोटेटोस जो कि इंफीरियर गुड थे, और लेस मीट उस टाइम पे जो कि बेसिकली डेली बजट में नहीं फिट होते थे. सो एक फेमाइन आया जिससे क्या हुआ कि कॉस्ट जो थी पोटैटोज की वो बहुत इंक्रीज हो गई, ठीक है. तो क्या पता लगाया गया बाद में इस फिनोमिना के बाद भी, दैट द कंजम्पशन ऑफ पोटैटो हैज बीन इंक्रीज्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि पैसा बढ़ गया. दिस फिनोमिना जो था, दिस फिनोमिना वाज डिफाइड, जो हमने फिनोमिना की बात की अभी नॉर्मल गुड्स की कि पैसे बढ़ते हैं तो डिमांड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारे जो सारी क्राइटेरियाज थे वो डिफाई हो गए एक ही बारी में, एंड दिस पर्टिकुलर फ्रेश केस इवॉल्व जिसे हमने गिफिन गुड्स का नाम दिया. ओके देन वी हैव लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन लोग इन गुड्स की, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर फॉर फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनली एंड इनकम ऑल्सो राइजेज. ओके तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाई है. देयर क्वालिटी, देयर ड्यूरेबिलिटी, देयर परफॉर्मेंस, देयर यू नो इट इज रिमार्केबली सुपीरियर इनके सब्सटीट्यूट से ज्यादा. जैसे कि अगर हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें तो वॉट इज द major substitute of a gold ornament, that is diamond. And demand kya hai? Zyada diamond ki hai, because it has high durability, quality, and it also needs good brand power. So with time can assume status of normal goods. To isiliye luxury goods are also a type of goods. Fir aate hai hamare prestige goods. These are the goods which ascribe high status and value, jaise ki antique collections, limited edition goods. तो ये एड ऑन कर देते हैं वैल्यू को, एंड दे आर ऑलवेज बॉट बाय रिचेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल. ऑल्सो वी हैव गुड्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ इट. लाइक अ गुड्स डिमांड इज इंक्रीज जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है दैट द प्राइस ऑफ अनदर गुड इज डिक्रीज, तो इट हैज अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे कि पेंसिल इरेजर जो है वो कंजम्पशन का जो इनका केस है वो कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, ठीक है. सो दीज वर द काइंड्स ऑफ गुड्स इन जनरल. अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन सर्विसेज की. जब हम बात करते हैं कि हम सर्विसेज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सर्विसेज के प्रोमिनेंट काइंड्स हम अभी पढ़ेंगे आगे. तो देर आर certain kinds of services, जैसे कि free service and economic service. Free service वो services हैं that cannot be bought in the market, जैसे कि parents का love for their children, mothers cooking in their family, तो these are the free services, इनकी कोई monetary value नहीं होती. Then we have economic service, वो सारी service जिनकी economic value होती है and they can be bought in the market, जैसे कि teacher, doctors, engineers, bank officers, so these are the two kinds of economic services. All right. Also, consumers are the people who buy things for their direct consumption. So, consumer goods and producer goods हम पढ़ चुके हैं. Consumer services क्या होती हैं? Consumer services होती हैं when the consumer or the household directly uses the service to satisfy his/her want, and they are known as the consumer services. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. लाइक अ टेलर स्टिचेस योर टी शर्ट, और अ डॉक्टर ट्रीट्स योर सिकनेस, और अ प्लम्बर रिपेयर्स द लीक इन योर हाउस. दीज आर द कंज्यूमर सर्विसेज. फिर आती है प्रोड्यूसर सर्विसेज, जस्ट लाइक प्रोड्यूसर गुड्स वी हैड. प्रोड्यूसर सर्विसेज आर सर्विसेज विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर टू हेल्प हिम इन प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ द कंज्यूमर. जैसे कि एक टेलर ने स्टिच की शर्ट फॉर अ गार्मेंट शॉप where they will be sold to the customers. So these are your producer services. And jaise ki ek truck jo hai wo raw materials carry kar raha hai to a factory of production, so this is your producer service. Services bhi single use and durable use hoti hain. Like single use consumer goods hum kar chuke hain, and we have these durable use. So services also have this whole kind. Now,
Now we'll talk about investment. If production of goods and services are more, consumption will be more and investment will be also more. तो ये तीनों चीजें handy चलती हैं. Okay? Now we will talk about the kinds of service in economics. And we will also talk about the characteristics. तो सर्विस का जब सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, is that they are not tangible. There is no time gap between production and consumption, and they cannot be stored. And the transfer is very well not possible. Free and economic services are there. ठीक है. तो जब हम services के और goods की बात करते हैं, the discussion service हम बोल सकते हैं is a mean. जो कि हमें वही सेटिस्फेक्शन प्रोक्योर करा रहा है जो कि गुड्स करा रहे हैं, बट दे हैव अ डिफरेंट टेंडेंसी. सो वी डिजायर टू हैव ऑल द थिंग्स टू सेटिस्फाई आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वांट्स. इसीलिए डिजायर इज फॉर ऑल द थिंग्स दैट सर्टेनली सेटिस्फाई आवर वांट्स. एंड ये सारी चीजें हैं, तो मटेरियल गुड्स हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, तो इन्हीं में से एक टाइप है हमारी सर्विसेज. ओके, नाउ कंज्यूमर सर्विस एंड प्रोड्यूसर सर्विस. जब सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वांट के लिए यूज कर लेते हैं, कंज्यूमर सर्विस बोलते हैं. एंड व्हेन दीज सर्विसेज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर सर्विसेज. जैसे कि एक टेलर स्टिच और टी शर्ट, मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया. नाउ हमने इनके काइंड्स के बारे में भी पढ़ा, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस characteristics of goods and services. Also, conclusively, I shall be giving an overview of services in economics, because services as a topic जो है बहुत prominent है. तो एक service को effective and profitable होने के लिए certain equipment या facility की requirement होती है. However, other keys भी हैं जो इसे एक important part बना देती हैं. तो सबसे बड़ी बात जैसे सर्विस की क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी यू आर गिविंग टू समबडी, दैट इज समथिंग व्हिच एड्स ऑन टू द सर्विस. देन द स्पेसिफिकेशन इज देयर कि कोई भी सर्विस जो है वो क्लियरली और कंप्लीटली कंसिस्ट करती है एक सर्टेन सेट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर. देन वी हैव सर्विस कंज्यूमर बेनिफिट्स व्हिच आर एसोसिएटेड. वी ऑल्सो हैव सर्टेन सर्विस स्पेसिफिक फंक्शनल पैरामीटर्स. जैसे कि पैरामीटर्स जो कि सेट किए जाते हैं, दे आर एसेंशियल टू द रिस्पेक्टिव सर्विस, और वो उसके डायमेंशन की इम्पोर्टेंट उसके इम्पोर्टेंस बताते हैं. जैसे कि इस पर्टिकुलर सर्विस स्केप का क्या इम्पोर्टेंस है इन दिस डायमेंशन. जैसे कि क्या एक पैसेंजर आइल पे बैठेगा या विंडो सीट पे बैठेगा. तो दीज आर सर्विस स्पेसिफिक फंक्शनल पैरामीटर्स. ऑल्सो देयर इज सर्विस डिलीवरी पॉइंट. ये एक ऐसी फिजिकल लोकेशन है या फिर एक ऐसा इंटरफेस है. क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस इज अ लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम. तो एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे बेनिफिट एक सर्विस का रेंडर करा जाता है कस्टमर के द्वारा, तो क्या हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो दैट इज योर सर्विस डिलीवरी पॉइंट. देन वी हैव सर्विस कस्टमर सपोर्ट लैंग्वेज, सर्विस फुलफिलमेंट टारगेट, सर्विस डिलीवरी यूनिट. ये सारी चीजें आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. Okay, and with this we come to a conclusion. We've read about all these important factors in this video. Yes. Thank you so much.